अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ 5 व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग है हमारा पॉडकास्ट माइक के बारे में। अगर आप कोई यूट्यूबर हैं, यूट्यूब की वीडियो शूट करते हैं या कोई पॉडकास्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको पॉडकास्ट माइक की ज़रूरत होती है, जो कि मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हम घर पे एक पॉडकास्ट माइक और उसका स्टैंड कैसे बना सकते हैं। आप लोग ये सोचेंगे कि मेरी आवाज़ आप लोगों को कैसे आ रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मेरे पास मौजूद है ये माइक, वायरलेस माइक, जो कि 2500 का लिया था मैंने, और इसको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, जिससे कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी यहाँ पर। माइक हमने इस तरह इसको बनाया गया है, ये हम यहाँ पर इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट पोर्टेबल माइक स्टैंड है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसको कुर्सी पर बैठ के यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको इस पर बैठ के भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि मैं बैठ चुका हूँ ऊपर, और इस हिसाब से मैंने माइक को भी एडजस्ट कर लिया है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इस माइक को मैं खड़े होकर भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे ऐसे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको खड़े होकर भी यूज़ कर सकता हूँ, और अब तक आपका आइडिया हो गया होगा कि ये एक कम्प्लीट पोर्टेबल माइक स्टैंड है। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे होल्स मौजूद हैं, आप जिस हिसाब से चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पॉडकास्ट माइक और उसका स्टैंड कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले लेंगे हम 4 फुट का पीवीसी पाइप, उसके बाद लेंगे हम 10 इंच का एक पाइप जो कि गोलाई में थोड़ा बड़ा हो और 4 फुट वाले पाइप में इजीली पुट हो सके। 5 फुट का हम एक और मोटा पाइप लेंगे स्टैंड की बेस के लिए। 1 इंच का मोटा वाला पाइप लेंगे माइक होल्डिंग के लिए। 1 इंच का एक और मोटा पाइप लेंगे डाउन सपोर्ट के लिए। सबसे पहले माइक की बेस बनाने के लिए कोई भी आइसक्रीम बॉक्स या कोई भी छोटा सा बॉक्स लेंगे। उसके बाद 5 इंच के मोटे वाले पाइप को उसके बिल्कुल सेंटर में प्लास्टर ऑफ पेरिस के ज़रिए जमा देंगे। उसके बाद तकरीबन 10 घंटे तक आपको इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। फिर गूगल पे पॉडकास्ट माइक वेक्टर सर्च करके हमें किसी भी स्टेशनरी से इसके स्टिकर निकलवाने हैं, और माइक की डेकोरेशन के लिए हमें कुछ कलरफुल पेपर्स की ज़रूरत होगी, वो भी हमें किसी स्टेशनरी की शॉप से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पाइप इसके सेंटर में नहीं रुक रहा है। तो हम लेंगे 1 इंच का पाइप और इसके सेंटर में पेस्ट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये पाइप बिल्कुल सेंटर में रुक रहा है। तो अब हम 10 इंच वाले पाइप को इसके अंदर पुट करेंगे और इसके एंडिंग पॉइंट को टेम्परेरी टेप से लॉक कर देंगे। इसके बाद हम इस पे होल करने के लिए करेंगे मार्किंग। उसके बाद हम किसी भी कील को गर्म करके मार्किंग के हिसाब से इसमें होल कर देंगे, और ख्याल रहे ये होल्स दोनों पाइप में एंड तक हों। होल्स हो जाने के बाद हम करेंगे अपने टेप को रिमूव। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों पाइप में हो चुके हैं होल्स। उसके बाद हम कलरफुल पेपर से कर लेंगे अपने माइक को डेकोरेट।
उसके बाद जो हमने पॉडकास्ट माइक के स्टिकर निकलवाए थे उसको किसी हार्ड बोर्ड पे 5 इंच के हिसाब से कर लेंगे पेस्ट। उसके बाद जो हमने 1 इंच का पाइप लिया था उसको हम कर देंगे माइक के पीछे पेस्ट। इस पाइप के अंदर हम कोई भी अपना वायरलेस माइक इजीली फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे हम इसको टेस्ट कि ये स्टैंड में कैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं माइक इसमें सीधा नहीं हो रहा। इसको सीधा करने के लिए हमें ज़रूरत होगी 2 बोतल के कैप्स की। इन दोनों कैप्स को हम कर देंगे इस तरह पेस्ट। उसके बाद देख सकते हैं आप हमारा माइक हो चुका है बिल्कुल सीधा। तो आप देख सकते हैं हमारा माइक स्टैंड हो चुका है रेडी। जिसको फिक्स करने के बाद उसका फाइनल लुक आपके सामने मौजूद है। तो आज का व्लॉग हमारा यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।